तो महानुभाव हमारे साथ बजट की चर्चा में जरूर रहते हैं। अग्रवाल सर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुझे बताइए कि इस बजट में क्या खास बातें आपने देखी, आम आदमी, खास आदमी और समाज के विभिन्न तबकों के लिए क्या कुछ है इस बजट में? देखिए, कोई भी बजट होता है उसकी अपनी एक फिलॉसफी होती है, उसके पैटर्न पर वो चलता है। और किसी एक बजट से अगर आप सोचें कि एवरीथिंग इज सॉल्व, तो मुझे लगता है विश्व का कोई बजट ऐसा नहीं होगा कि एवरीथिंग इज सॉल्व, पहली चीज। और एक बजट दूसरे बजट की कड़ी होती है और उसके हिसाब से लगातार काम होता चलता है। अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है आज से 50 साल पहले ही बजट बनाने की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी होती, नंबर एक। नंबर दो, इस बजट की फिलॉसफी अगर मैं आधी लाइन में कहना चाहूँ, जो उपेक्षित वही अपेक्षित, अगर इस लाइन से मैं कहना चाहूँ, टैग लाइन से, यानी कि अगर आप देखते हैं कि महिलाओं को पीछे माना गया था, उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बहुत तेजी से बढ़ा। महिलाओं का अगर देखते हैं तो सेक्स रेशियो बहुत तेजी से बढ़ा है, जो कि 150 साल से हम प्रयास कर रहे थे, नहीं हो पाया। NHFS का डेटा ये रखा हुआ, कोई भी उठा के देख सकता है। और जहां तक इस प्रकार से चर्चा आई कि इसका नतीजा क्या होगा, तो आप देखें तो चाहे आप युवा के रूप में देखें, महिलाओं के रूप में देखें, या बिहार जिसको हम लोगों ने एक मॉडल मान लिया था पिछड़ेपन का, ठीक है, उसका एक पॉलिटिकल वेंचर आप डिफाइन कर सकते हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, मैं उसके केवल इकोनॉमिक फिलॉसफी पर जा रहा हूं। तीनों ही सबसे नीचे पर थे। यदि तीनों को आगे लाया जाता है, यानी कि एक नए ग्रोथ इंजन की शुरुआत होती है, तो मुझे लगता है कि इस मामले में देखना चाहिए। और जो जितना पिछड़ा होता है उसमें ग्रोथ की पोटेंशियल उतनी ज्यादा होती, सवाल ये उठता है कि उसको पॉलिसी नरेटिव से कितना हम आगे ले जाते हैं। अब उसके साथ साथ क्या सपोर्ट सिस्टम आता है, क्या सपोर्ट सिस्टम नहीं आता है, मान लीजिए मुद्रा के माध्यम से आता है या बजटरी एलोकेशन के माध्यम से आता है। और एक फिलॉसफी और बताऊं, आज तक मुझे नहीं लगता कि किसी टेलीविजन डिबेट में वो पॉइंट आ पाया है। अच्छा बुरा वो बाद में आप तय करिएगा, लेकिन मैं बताता हूं कि एक नावल जिस पर हम लोगों का एक बड़ा शोध पत्र भी प्रकाशित हुआ है ब्रजेश जी, वो यह है कि जैसे इस बार राज्यों को 1.5 लाख करोड़ रुपया ब्याज मुक्त 50 साल के लिए ऋण दिया जा रहा है, दीर्घकाल के लिए, किस लिए? कलेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। और ये पिछले कई 5 सालों से ये प्रक्रिया चालू है, और मुझे लगता है ये बढ़ करके, एग्जैक्ट मुझे इस समय ध्यान नहीं आ रहा है, ये 4 लाख करोड़ पार कर चुका है, इस 1.5 लाख को मिला करके। और आप देखिए सारे राज्य इसमें समावेशी रूप से काम कर रहे हैं। तो देखिए, एक पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट होना, सबको सहयोगात्मक रूप से लेकर के चलना, और ये एक विकास की रूपरेखा होती है। केवल इनकम टैक्स में मानता हूं कि वो बहुत ज्यादा संतोषजनक नहीं रहा, जितनी छूट एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन जिस वर्ग को छूट दी गई है उनके लिए ये अहम होता है। ये उनके लिए नहीं है जिनकी आमदनी 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया या 40 लाख रुपया पर मंथ है, ये उनके लिए है जो नए नए मिडिल क्लास में शामिल हो रहे हैं। अगर 25 लाख लोग जो है गरीबी की रेखा से निकल करके मिडिल क्लास में शामिल हो रहे हैं, लोअर मिडिल क्लास में सही, तो उनके एस्पिरेशन को लेकर के चलते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा ग्रोथ इंजन बनता हुआ नजर आता है। किसी भी देश में आप देखें, और भारत में तो अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड लेना है तो इस पावर्टी को कैपिटलाइज करना पड़ेगा। और इसीलिए जो बात आती है कि हम इसको अगर बाहर लेकर के आए, वो भी मल्टी डायमेंशनल पावर्टी है, वो वाली पावर्टी नहीं है कि जो केवल फूड न्यूट्रिशन बेस्ड हुआ करता था, वो नहीं है। तो एक पावर्टी की डेफिनेशन चेंज करते हुए, हेल्थ के पैरामीटर को शामिल करते हुए, तमाम और इंडिकेटर को शामिल करते हुए, तो मुझे लगता है कि इस फिलॉसफी को और इस मॉडल को लेकर के हमको समझना होगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी का कमेंट गलत है या अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि सभी को सोचना होगा कि क्या भारत अब हम उस पीछे दौर में रहे थे, क्योंकि विश्व स्तर पर आप देखिए अमेरिका की हालत खस्ता है, यूरोप की हालत आर्थिक रूप से खस्ता है, चीन नीचे लुढ़क रहा है, क्या हम उस स्थिति में जाना चाहेंगे? बाकी विषयों पर मैं आपसे सेकंड राउंड में बाकी चर्चा में आगे बढ़ना सम्मिलित कर लूंगा।